हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हमारे 1 BHK फ्लैट का एक छोटा सा होम टूर देने वाली हूँ, जिसको हमने रिसेंटली रेनोवेट करवाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा लिविंग रूम। ये जो सोफ़ा है ये पहले से ही है और ये सोफ़ा भी पहले से ही है। और ये जो वॉल है ना इसके पीछे की, ये हमारे घर की सबसे बड़ी वॉल है। ये देखिए, यहाँ पर ना पहले वॉलपेपर लगा हुआ था, तो वो वॉलपेपर हमने निकाला है, उसकी जगह पे ये लगा है जिसको चारकोल शीट बोलते हैं। और साइड, दोनों साइड में ये लगा है, इसको राफ्टर पट्टी बोलते हैं। ये दो पट्टी है, ये 4-4 इंच की दो पट्टी है। उसके बाद आ जाते हैं, हमारी विंडो में चेंजेस हुआ है। विंडो में चेंजेस क्या हुए हैं कि ये जो विंडो है ना, ये हमने बाहर ली है। ये हमको जो हमारी गैलरी थी ना, तो 1.5 फीट गैलरी हमने अंदर ले ली है, विंडो को हमने बाहर कर दिया है, विंडो को तोड़ के बाहर कर दिया है, गैलरी अंदर ले ली है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो एंकल फास्टनर देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले हमारी विंडो थी, तो हमने विंडो तोड़ के बाहर ली है। यहाँ पे हमने एंकल फास्टनर लगाया है झूला लगाने के लिए। बच्चों को बहुत पहले से झूला चाहिए था घर में, और हमने झूला बनने दिया है। तो ये कुछ 2.5 फुट का झूला आएगा इसके बीच में, तो वो भी आ जाएगा 4-5 दिन में, फिर वो लगेगा यहाँ पे। और जब ये झूला लगेगा ना, तो ऑब्वियसली ये सोफ़ा हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एल शेप सोफ़ा है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा झूले के साथ में। तो ये सोफ़ा भी हट जाएगा और यहाँ पे एक दूसरा सोफ़ा आएगा, जो सिर्फ ऐसे सिंगल सोफ़ा रहेगा, एल शेप नहीं रहेगा। लेकिन वो भी सोफ़ा कम बेड ही होने वाला है शायद से। अभी आते हैं टीवी यूनिट पे। तो ये हमारा टीवी यूनिट है। ये नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ा है, नीचे से लेके पूरा ऊपर फॉल सीलिंग तक है। एक सेकेंड, इसमें प्रोफाइल लाइट लगी है। ये ऐसा है टीवी यूनिट। एक्चुअली मेरे अंदर पिंटरेस्ट का कीड़ा है, तो ये जो टीवी यूनिट की डिज़ाइन है ना, ये मैंने पिंटरेस्ट से निकाली है मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है पता है, ये जो स्पेस है ना, ये हमने ओपन रखा था ये स्पीकर रखने के लिए। हमारा स्पीकर ऐसा लंबा है, तो ये स्पेस हमने बोला था ये ओपन रखेगा, ताकि ये स्पीकर अंदर चला जाएगा, तो जो पीछे बोर्ड और वायर्स वगैरह आएंगे ना, वो भी नहीं दिखेंगे। बट ये जगह छोटी हो गई, स्पीकर थोड़ा सा बड़ा है, 2 इंच, वो नहीं आ रहा है। हालांकि हमने नाप दिया था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो गई है। तो लेट्स सी, अभी हमने सोचा है कि ये स्पीकर जो है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे खड़ा रखेंगे, तो शायद अच्छा दिखेगा, देखते हैं अभी। और यहाँ पे जितने भी सामान आप देख रहे हो, जो मेरे पास थे ना पहले, वो मैंने इसमें रख दिया अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही, जब मैं सेट कर रही थी। तो जब पूरा अच्छे से मेकओवर करूँगी ना, तो सारी चीज़ों को जैसे जहाँ चाहिए मुझे, जैसे डेकोरेट करना है वैसे ही रखूँगी। फ़िलहाल मैंने ये ऐसे ही रखा है। तो ये हमारा टीवी यूनिट है। और ये जो वॉल है, ये पहले जैसी थी, ये ऐसी है, इस पर हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। ये हमारे एंट्री से लेफ्ट साइड की वॉल है। यहाँ पे शू रैक रखा हुआ है। और हाँ, फॉल सीलिंग में हमने चेंजेस किए हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, फॉल सीलिंग में ये चेंजेस हैं। फॉल सीलिंग में क्या चेंजेस है वो मैं बताती हूँ। ये एसी का वायर है, यहाँ पे एसी आएगा अभी होती है। यहाँ पे ना पहले फॉल सीलिंग में ऐसे 3 वुडन पट्टी थी, तो वो कट करके निकाल दिया है सिर्फ, और बाकी पूरी फॉल सीलिंग वैसे ही है। सिर्फ ये जो साइड की पट्टी है ना, जो पहले ब्लू कलर में थी, स्काई ब्लू कलर में, इसको ये वुडन प्रिंट, थोड़ा सा ऐसे वुडन शेड दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ना मैंने 2 रॉड लगवाए थे पर्दे के लिए, क्योंकि घर में रोशनी बहुत आती है, तो सोने में डिस्टर्ब होता है सोने वालों को। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं
कर्टन्स लगाऊंगी, मतलब अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। फिर ये जो दो रॉड लगे हैं ना, स्पेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, बहुत ज़्यादा बाहर आ गई विंडो से, तो मैंने सोचा मैं एक रॉड निकाल के और फिर एक ही रॉड में दो तरीके के कर्टन्स मैं लगाने वाली हूँ, एडजस्ट करने वाली हूँ, शेयर कर्टन भी और नॉर्मल कर्टन्स भी। तो वो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि वो कैसे करने वाली हूँ। थोड़े बहुत काम बाकी हैं और ये जो कर्टन्स ये दीवार पे लगे हैं ना, इसको मुझे जो एल शेप वाला एंकल आता है ना, जो पीछे की वॉल पे लगेगा, उस पर लगाना है, तो वो काम भी अभी बाकी है। अभी चलते हैं जो मेरे घर की जो मेन जगह है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माय रिनोवेटेड हाउस, तो वहाँ पे चलते हैं। तो ये है वो जगह, दिस इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माय हाउस। एक सेकंड, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। हमारा जो पहले यहाँ पे बंक बेड हुआ करता था बच्चों का, ये वो वाला स्पेस है। तो इसको हमने ऐसे यहाँ पे ये जो ग्लास कटिंग्स आते हैं ये लगाया है दोनों तरफ। और यहाँ पे ना पहले आपने देखा होगा हमारा वॉश बेसिन हुआ करता था, तो वॉश बेसिन यूजलेस था, उसका यूज़ नहीं होता था, पानी बहुत गिरता था नीचे से, लीकेज होता था, तो वो हमने हटा के यहाँ पे वार्डरोब बनाया है ऊपर से लेके नीचे तक। ये बच्चों के लिए वार्डरोब बनाया है हमने, ये पूरा ऊपर से नीचे तक है। एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल है, ये फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है, ये ओपन होता है, एकदम प्रॉपर डाइनिंग टेबल बन जाता है यहाँ पे। और जब ये ओपन होके डाइनिंग टेबल बनता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ हमने किया नहीं है, ये देखिए वॉल ऊपर की पूरी खाली रखी है, ये ऊपर भी, ये भी शायद बीम ही है, तो ये भी जैसे था वैसे, इसको हमने टच नहीं किया, सिर्फ पेंट किया है। तो बस यहाँ पे दो मिरर लगाए, उसकी वजह से ये इतना प्यारा लग रहा है। और ये दरवाज़ा है हमारा, और यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ एक रियल प्लांट एंट्री से बाजू में। तो अभी बहुत चीज़ें घर में बाकी हैं, धीरे धीरे करूँगी। ये जो वॉल है यहाँ पे आएगा एक बड़ा सा आयतन कुर्सी या दूसरी कोई दुआ, मोस्टली मैं आयतन कुर्सी के लिए ही देख रही हूँ, मुझे बड़े में चाहिए आयतन कुर्सी, वो जो एक्रेलिक में आता है ना वो, बट वो राउंड वाला मुझे मिल रहा है, ऐसे लंबे में चाहिए, मुझे रेक्टेंगल में चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो वो शायद हम बनवाने वाले हैं, तो देखते हैं अभी। खैर अभी आ जाते हैं ये तरफ। तो ये हमारा बेडरूम है, ये तरफ बेडरूम है, ये हमारा बाथरूम है और ये टॉयलेट है। तो यहाँ पे भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ये टाइल्स पहले से लगी हुई थी, दरवाजे भी दोनों वही हैं, बाथरूम में कोई भी चेंजेस नहीं है, दरवाज़ों का सेम, बाहर का हमने सनमाइका चेंज किया है बाकी फर्नीचर को मैच करने के लिए। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग इन माई हाउस। एक्चुअली इसको भी एक्रेलिक शीट बोलते हैं, सॉरी। यहाँ पे ना पहले मेरा पैसेज था, ये पूरा ओपन पैसेज था जिसमें हमने बाद में स्टोरेज बनवाया था, तो कुछ बड़े बड़े सामान मैं यहाँ पे रखती थी, लेकिन फिर बाद में जब हमने अभी काम कराने के लिए निकाला ना, तो उसमें भी पूरा अंदर से पानी की वजह से पूरी दीवार ख़राब हुई थी, पूरा स्टोरेज अंदर से एकदम ख़राब होता, जो सामान रखा था उसके फुट्टे पूरे नरम पड़ गए थे, तो हमने वो निकाल दिया स्टोरेज और यहाँ पे ये लगाया है। और ये हमारी, और अभी चलते हैं बेडरूम में। तो ये है हमारा बेडरूम, यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं वो मेजर चेंज जो हुआ है वो ये है। एक सेकेंड, मैं डोर क्लोज करती हूँ। जो मेरे घर में सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो यही है, ये हमारा वार्डरोब है। ये ऊपर का जो है वो पहले भी ऐसे ही था, वो एज इट इज ही है। नीचे का जो वार्डरोब नहीं, मतलब चेंज किया है, वो निकाल के और उधर दूसरा लकड़ी लगा के वो लॉफ्ट बनाया है, मतलब पहले भी ऐसे ही था ऊपर का। और ये जो वार्डरोब है ना, ये साइज वही है, सिर्फ पहले ओपनेबल था, अभी स्लाइडिंग वाले डोर लगे हैं। और ये है बेडरूम का डोर, जिसका सनमाइका इसको मैच करके लगाया हुआ है। उसके बाद
ये वो वॉल है जहाँ आपने देखी होगी बहुत गंदी हुई थी वॉल, यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ था जो पूरा बच्चों ने फाड़ा था, पूरे दीवार पे ड्राइंग करी हुई थी। तो ये वो वॉल है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा टीवी यूनिट बनाया है, यहाँ नीचे एक छोटा सा ऐसे पैसेज दिया है रिमोट वगैरह कुछ भी रखने के लिए, और वो स्विच बोर्ड है वहाँ से ही कनेक्शन है टीवी का, वायर वगैरह सब कुछ अंदर से है। तो यहाँ पे हमने ऐसा स्टडी एरिया बनवाया है, ऊपर मैंने स्टोरेज बनवाया है बच्चों की बुक्स वगैरह रखने के लिए। ये नीचे भी मैंने स्टोरेज लिया, पहले उन्होंने ये नहीं बनाया था, फिर मैंने उनको बोल के ये बनवाया, क्योंकि बुक्स हो गए, क्राफ्ट के आइटम हो गए, इतने ज़्यादा होते हैं ना कि स्पेस नहीं होता है। और ये है ना, ये मूवेबल है, ये फिक्स नहीं है यहाँ पे। लाइक अगर चेयर यहाँ पे बड़ी आएगी तो इसको हम लोग थोड़ा सा मूव कर सकते हैं बैठने के टाइम पे, ताकि पैर वैर में ना लगे, और जब हो जाएगा काम तो इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर सकते हैं वापस से। तो ये ऐसा है। और उसके बाद बेड, बेड में भी अजवा पुत्रो, अच्छा अजान सोया है, बेड में भी यहाँ पे बेड हमारा वही है, पुराना ही है, बेड में कोई चेंजेस नहीं किए हमने, बेड का सिर्फ बाहर का सनमाइका चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। पीछे का हेडबोर्ड हमने चेंज किया है बेड का, और ये पीछे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे पेंटिंग बनाई थी, तो वो पूरा हटा के वहाँ पे हमने ये राफ्टर लगाए हैं, इसको शायद राफ्टर पट्टी ही बोलते हैं, ये लगवाया है, और ये हेडबोर्ड चेंज किया है, और सीलिंग थोड़ी सी चेंज हुई है सीलिंग, एक सेकेंड, हाँ वहाँ पे थोड़ा सा गैप था, बस उसको फिल कर दिया है, बाकी ये पूरा सीलिंग ऐसे, और ये थोड़ा राउंड में थी तो इसका इसको स्क्वायर में किया है, तो ये ऐसी है सीलिंग। और यहाँ टीवी यूनिट पे भी लाइट है, प्रोफाइल लाइट्स, उस पे भी लाइट लगा, अजहान याद दिला रहा है, स्टडी टेबल पे भी लाइट है, प्रोफाइल लाइट, मतलब कि अगर रात में बैठ के पढ़ रहे हैं तो लाइट का प्रॉब्लम ना हो, ये इस तरीके से लाइट्स है यहाँ पे। तो ये चेंजेस है, और यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है ना वो है ये, आपने अगर पहले नोटिस किया होगा तो ये सिर्फ इतना ही स्पेस था, ये जो एक टाइल्स है ना, अच्छा ये गंदा नहीं है, ये दाग लगे हैं जो टाइल्स पे ग्लू वगैरह उन लोग ने यूज़ किया, उसके दाग लगे हैं, इसको मुझे क्लीनर से या फिर एसिड वगैरह से क्लीन करना है। तो ये जो एक टाइल्स है ना यहाँ तक की, सिर्फ यही थी हमारे बेडरूम में, ये इतना जगह हमने वापस से विंडो बाहर बढ़ाया है, विंडो बाहर बढ़ा के गैलरी को अंदर लिया है, तो ये अच्छा खासा इतना हमको स्पेस मिल गया है। और हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी सेम है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, उसमें सिर्फ मिरर चेंज किया है, पहले आपने देखा होगा साइड में ऐसे बॉर्डर था लकड़ी का ही, तो वो हटा के हम लोग ने पूरा मिरर लगा दिया है, तो बस यही चेंजेस है उसमें भी। और मेजर चेंज यही है कि ये विंडो को बढ़ाया है, और ये वार्डरोब पूरा नया किया है, तो ऑल ओवर दिस इज़ माई बेडरूम। तो ये है हमारा 1BHK रिनोवेटेड फ्लैट, और यहाँ पे हमने जो कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जो भी नया ऐड किया है ना, वो सभी कुछ अभी ट्रेंडिंग में है, आपको एक से एक डिज़ाइन मिल जाएगी पिंटरेस्ट पे, अगर आप रिनोवेशन का सोच रहे हो ना तो पहले आप पिंटरेस्ट पे एक से एक डिज़ाइन चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने भी छोटा छोटा जो भी चेंजेस किया है ना, मोस्टली डिज़ाइन मैंने पिंटरेस्ट से निकाली है। और वीडियो को एंड करते करते हमारी जो डाइनिंग टेबल की चेयर थी वो आ गई थी, तो मैंने सोचा वो क्लिप भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये हमने अर्बन लैडर की चेयर ली है, ये चार चेयर हमको 10,200 या 300 में पड़ी थी, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, 65% डिस्काउंट चल रहा था। और ये शीशम वुड में है, इसमें जो कपड़ा यूज़ हुआ है वो जूट कपड़ा है, क्रीम कलर में है। अच्छा, हमको इसमें 3 साल की वारंटी भी मिली थी, तो काफ़ी अच्छी पड़ गई थी चेयर हमको। और मैं बहुत जल्दी अपने रिनोवेटेड घर का मेकओवर करने वाली हूँ, सोफ़ा और झूला वगैरह आने के बाद में, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा घर अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।